सपा के सूबे में सत्ता भले ही ना हो लेकिन उनके कार्यकर्ता अपनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें वे कोई भी कदम उठाने से नहीं चूक रहे हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला संभल के चंदौसी तहसील में बदायूं रोड पर देखने को मिली है। यहां रोड पर लगे स्वागत द्वार पर राज्य मंत्री गुलाबो देवी की फ्लैक्सी को न सिर्फ सपा कार्यकर्ताओं ने उतार दिया बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया है। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जिसके बाद स्थानीय बीजेपी नेता काफी नाराज हैं। सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया है कि यहां पर तत्कालीन सपा विधायक लक्ष्मी गौतम की फ्लैक्सी लगी थी, जिसे भाजपाइयों ने पहले, आपको बता दें, इसको हटा दिया है। उसके बाद उसे पूरी तरह से हटाकर राज्य मंत्री गुलाबो देवी की फ्लैक्सी लगवा दी है। फिरोज खान के मुताबिक उन्होंने पहले इसकी शिकायत भी जिला प्रशासन से की थी, लेकिन राज्य मंत्री का मामला देख प्रशासन ने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया था, जिस पर खुद सपा कार्यकर्ता हटाने पहुंचे थे। सपा नेता बदायूं रोड पहुंच गए। यहां पहले पूर्व विधायक लक्ष्मी गौतम की फ्लैक्सी लगी थी लेकिन उसे कालिक पोती गई थी और बाद में हटाकर राज्य मंत्री गुलाबो देवी की फ्लैक्सी लगा दी गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय भाजपा नेता खासा आक्रोशित है। उसके मुताबिक राज्य मंत्री की फ्लैक्सी इस तरह से उतार कर जलानी नहीं चाहिए थी। इसमें कार्यवाही को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ बड़े नेताओं से संपर्क किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता इसमें पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने तो लोगों से झूठ बोल के उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया। हमारे जहां पूरे जनपद संभल में विधायक निधि के हमारे विधायकों द्वारा द्वार बनाए गए थे, उस पर इन्होंने हमारे माननीय विधायकों के नाम मिटा करके अपने नाम लिख दिए, लेकिन ये भूल गए कि ये कौन सी सन में लगा था और इसको सन को भी मिटवा दें। वो पकड़ में आ गया। हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया 3 तारीख को। उन्होंने जाँच कराई और जाँच में ये पाया गया कि ये गलत किया गया है। आज कार्यकर्ताओं ने द्वारों पर से इनके नाम हटाए हैं और अधिकारियों को भी हमने ये लिख के दिया है ज्ञापन के माध्यम से कि जनपद में जो काम समाजवादी सरकार के द्वारा कराया गया है, अगर उस पर इन्होंने प्लेट लगाने की या कोशिश की कब्जा करने की, तो इन्हें बख्शा नहीं जाएगा और भयंकर आंदोलन होगा। हाईवे पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं, तो संबंध में मौके पर जाएगा। वहाँ कोई फिर तहरीर मिली, वहाँ पर जानकारी की, तो वहाँ से कुछ लोगों ने आकर के तहरीर दी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।